एवरी hey एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन का डोरमेट जिसके लिए देखिए दो प्रकार की हमने यहाँ पे ले रखी है इसी से हम डोरमेट बनाएंगे बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ऊल उल, उल लिया है इसे किया है डबल फोल्ड और साड़ी से एक इंक इंच की हमने पट्टी निकाल के रखी हुई है ठीक है और हमने ली है पट्टियों के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्यारह नंबर की सिलाई है देखिए तो इसी से हम डोरमेट बनाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट है करते हैं देखिए इस तरीके से हमने पंद्रह डाल रखे हैं उसके बाद सबसे पहले यहाँ से देखिए इस तरीके से फर्स्ट रो में हमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह अब देखिए दो फंदे यहाँ पे छोड़ते हुए पलट लेना है ठीक है इस तरीके से उसके बाद यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और सीधी साइड से करेंगे चौदह ठीक है यहाँ पे और यहीं से पलट देंगे अब किनारे का फंदा उतारना है और नेक्स्ट फंदे से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और देखिए दो फंदे फिर से छोड़ेंगे और पलट लेंगे ठीक है इस तरीके से अब यहाँ से फिर से सभी फंदों को यहाँ से बुनेंगे तो न्यू है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भूल जाते हैं तो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को करें अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके ठीक है तो इस तरीके से देखें यहाँ पर सभी फंदों को हम बुनेंगे और पीछे की साइड करके सीधा बुनेंगे पलट देंगे ठीक है अब यहाँ पर इसे उतारेंगे और नेक्स्ट फंदे से के इस तरीके से यहाँ पे सभी फंदों को बुनेंगे ये देखें यहां से अब दो फंदा छोड़ते हुए यहीं से पलट लेंगे इस तरीके से ये देखें इस तरीके से अब यहाँ पे हम सभी फंदों को बुनेंगे देखिए इस तरीके से अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं बिल्कुल विविगनर हैं बिल्कुल नहीं बनाना आता तो आप इस तरीके से आसान डिज़ाइन बना सकते बहुत इजी तरीके से आपको डिज़ाइन बनाने को देखें इस तरीके से अगर आप नहीं बना पाते तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं ठीक है यहाँ से सीधी साइड से और पलट देंगे ये देखें यहाँ से इसे उतारना है और नेक्स्ट फंदे से एक दो तीन चार पाँच छ पलट लेना है यहाँ पे फिर से एक दो तीन चार पाँच सीधी साइड से छ पलट देंगे अब यहाँ पे फिर से एक दो तीन इस तरीके से देखिए अब यहाँ पे जब हमें इस डिजाइन को बनाना होता है तो यहाँ पे दो दो चार दो छः, दो आठ दो दस दो बारह ठीक है जैसे आपने यहाँ पे चालीस फंदे ले रखे तो आप यहाँ पे टोटल फंदे देखिए पैंतीस फंदे तक की कम कर दीजिएगा पैंतीस छत्तीस फंदे दो दो करके और चार पांच फंदे यहाँ पे लास्ट में हम कम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कम करने से हमारा डोरमेट तिरछा होने लगता है तो यहाँ पे हम प्लस के जो चार फंदे बचते हैं उन्हें हम नहीं कम करेंगे लास्ट तक की क्योंकि देखिए अभी आगे दिखाते हैं अब यहाँ से हम नेक्स्ट कलर को ऐड करेंगे देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ठीक है अब यहाँ से पलट देंगे इसे उतारेंगे और नेक्स्ट बंदे से देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और यहाँ से पलट देंगे सीधी साइड से लेंगे पंद्रह देखिए इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ से देखें किनारे का फंदा हमें उतार लेना होता है और नेक्स्ट फंदे से देखिए यहाँ पे एक और सीधी साइड से करेंगे दो तीन चार पाँच देखिए पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और दो छोड़ते हुए पलट लेना है अब यहाँ से फिर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ इसी तरीके से हम ऊपर की साइड जाएंगे यहाँ पे कंप्लीट फंदे बुनेंगे जैसे आपको यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन बनानी है तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं मैं इस डिज़ाइन को इसलिए बता रही हूँ ताकि जो पहली बार भी बना रहे हैं वो आसानी से बना सके तो देखिए यहाँ पे हमने जिस तरीके से इस डिज़ाइन को यहाँ पे दो दो करके फंदे ऊपर की साइड छोड़ रखे हैं उसी तरीके से यहाँ पे दो दो चार तो छः दो आठ तो दस तो बारह बारह फंदे फिर से दो दो करके टू के मल्टीपल से कम करेंगे इसी तरीके से आपका अगर चालीस का है तो टू के मल्टीपल से इसी तरीके से आप फंदे कम कीजिएगा लास्ट के चार पाँच फंदे मत कम करिएगा ताकि आपकी जो ये कली है इस तरीके से मतलब जो ये हमारी है तिरछा नहीं जाएगी ये सीधी सी बनेगी ठीक है इस तरीके से अगर आपको कलियाँ बनानी है इसी तरीके से मल्टी कलर में आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा डोरमेट आप बना सकते हैं ठीक है तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा